देन कम्स दी जनरलिटी ऑफ ब्रोमियम. ब्रोमियम जनरलिटी वाइज अगर देखा जाए, इट कम्स वेरी क्लोज टू पल्स. कैसे? जैसे पल्स को ओपन एयर डिजायर है, ब्रोमियम में भी ओपन एयर डिजायर है. पल्स को हीट या सन एग्रावेट करता है, ऐसी ब्रोमियम में भी हीट और सन एग्रावेट करता है. सो दे बोथ हैव द रिएक्शन फ्रॉम हीट एज वेल एज एक्सपोजर टू द सन, विच कॉजेस एलर्जिक रिएक्शंस. इसके अलावा ब्रोमियम पेशेंट डिस्क्राइब कैसे होते हैं? फेयर ब्लॉन्ड लाइट हेयर्ड पीपल विद लेग्स फाइबर, ठीक है ना, चिल्ड्रन लेग्स फाइबर, और ऐसे ही पल्सा टिल्ला के भी होते हैं. अभी डिफ्रेंशिएटिंग पॉइंट क्या आता है पल्स और ब्रोमियम में? जनरलिटीज इतनी क्लोज हैं, इतना सब है, तो इसमें डिफ्रेंशिएटिंग पॉइंट्स क्या आते हैं? पहला, जो पल्सा टिल्ला होती है उसको इन जनरल मोशन एग्रावेट करता है, वेयर एज ब्रोमियम दे हैव अ कॉन्स्टेंट डिजायर फॉर स्ट्रॉन्ग वायलेंट फास्ट मोशंस, ठीक है ना. पहला तो ये. सेकेंड थिंग, ब्रोमियम के बच्चे जब जनरली दे बिकम सिक, ठीक है ना, तो उनको डिस्टर्ब्ड और टच करने की अवर्जन शुरू हो जाती है कि मुझे ना तो कोई बुलाए, ठीक है ना, गोद में उठा लो, पर कोई अफेक्शन आप शो करेंगे तो वो इरिटेट होते हैं, अनलाइक पल्सा टिल्ला, ठीक है ना, जिनको चाहिए कि उनको कॉन्स्टेंटली उनसे बात करो, उनको कॉन्स्टेंटली अटेंड करो. ब्रोमियम में ये नहीं होता, ठीक है. ब्रोमियम में जो करेक्टरिस्टिक पॉइंट हमने देखना है, बाकी जो देखे हैं उसके साथ साथ, कि ब्रोमियम में ओवर हीट की बहुत ज्यादा सेंसिटिविटी है. जैसे सल्फर में हम पढ़ते हैं बार बार कि जी उसको कवर कर दो, सल्फर का बच्चा बहुत तंग होता है, सल्फर का बच्चा गर्म रूम में चला जाए बहुत तंग होता है, ठीक है ना, सल्फर के बच्चे को गर्म कपड़े ज्यादा पहना दो बहुत तंग होता है. ऐसे ही ब्रोमियम की एग्रावेशंस होती हैं कफ की, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की, और या फिर उसकी ग्लैंडुलर अफेक्शंस की. नाउ कम्स द एग्रावेशन एंड एमिलियोरेशन पॉइंट. द एग्रावेशन क्या क्या है ब्रोमियम की? स्मोक से हो जाती है, इग्निशिया की तरह. मिल्क एग्रावेट करता है ब्रोमियम को, हॉट वेदर एग्रावेट करता है, हॉट गर्म होना, उनके बॉडी टेम्परेचर अगर गर्म हो तो वो भी तंग होते हैं, और चेंज ऑफ टेम्परेचर तंग करता है, बट चेंज कौन सी टेम्परेचर की? एक ही, जब भी सर्दियों से गर्मियां आनी शुरू होती हैं. इंडिया के हिसाब से वो कौन सा मंथ होता है? मार्च अप्रैल के मंथ. तो मार्च अप्रैल के मंथ जो बच्चे बीमार होते हैं तो उनमें ब्रोमियम बहुत ही प्रोमिनेंट एक्ट करती है अच्छे से. अदर मेडिसिन जो उन मंथ्स में अच्छी एक्ट करती है वो होती है कैल्केरिया कार्बोनिका, ठीक है ना. मार्च अप्रैल में हम जनरली देते हैं, कोल्ड टू वार्म में जब भी टेम्परेचर आता है जी, इन बच्चों के लिए ये होती है. आर्सेनिक, उनका भी बहुत प्रोमिनेंट एक्शन है इस मंथ में. इसके साथ साथ एमिलियोरेशन कैसी है? वायलेंट मोशन, ठीक है, एग्जर्ट करना, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एग्जर्शन करता हूँ, स्ट्रॉन्ग काम करने लग जाना, कोई ऐसी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो जाना जहां पे बहुत ज्यादा जोर लगे, ठीक है ना, या फिर गाड़ी में निकल जाना, बाइक पे निकल जाना, उससे उनको आराम आता है. ये जो स्ट्रॉन्ग वायलेंट मोशंस होते हैं. और कौन कौन सी रेमेडीज है जिनको सेम इन चीजों से एमिलियोरेशन होती है? सीपिया, एसिड सल्फ एंड आर्सेनिक, उनमें भी आपको वायलेंट मोशंस मिलेंगे. तो अगर वायलेंट आपको लग रहा है, एमिलियोरेशन फ्रॉम वायलेंट मोशन है, तो आपको तीन रेमेडी और रूल आउट करनी है ब्रोमियम के साथ, आर्सेनिक, सीपीए एंड सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है.